मौसम को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज, 5 दिनों तक होगी बारिश, इन 2 राज्यों में शीतलहर की है चेतावनी। उत्तर भारत के राज्यों में फिलहाल जो है ठंड जो है वो धीरे धीरे जो है ख़त्म होने लगी है, वे पहाड़ी इलाकों में भले ही थोड़ी बहुत सर्दी अभी भी हो लेकिन मैदानी इलाकों में दिन ब दिन जो है तापमान में वृद्धि हो रही है। इधर उत्तर भारत और मध्य भारत में जो है मौसम का मिजाज जो है अभी बदलने वाला है, 10 तारीख से 14 तारीख तक 4-5 दिन तक जो है बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड और उत्तरी राजस्थान में न्यूनतम तापमान में 4 से 8 डिग्री के बीच जो है न्यूनतम तापमान चल रहा है, जबकि दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ज्यादा तापमान 8 से 12 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज पूर्वी राजस्थान के सीकर में सबसे कम तापमान 3.5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी आज शीतलहर चलने की संभावना है। वही मौसम विभाग की माने तो अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में जो है आज और कल 2 दिन तक कुछ इलाकों में, असम, मेघालय में भी जो है आज और ओडिशा में जो है कल परसों 3 दिन तक जो है हल्की मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में जो है 14 तारीख तक कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार है, यानी कल से जो है मौसम बदलेगा और कुछ इलाकों में बारिश के आसार है। महाराष्ट्र में भी जो है परसों से जो है कुछ इलाकों में मौसम बदलने वाला है और हल्की मध्यम बारिश के आसार जताए गए। मराठवाड़ा में भी यहाँ पर परसों से मौसम बदलेगा। वहीं यूपी, बिहार और झारखंड में जो है यहाँ पर 12 तारीख से जो है गंगे पश्चिम बंगाल और इन इलाकों में भी 12 तारीख से बारिश के आसार जताए गए हैं, यानी गंगे पश्चिम बंगाल सिक्किम के इलाके में यहाँ पर 12 तारीख की बात कही गई है बारिश यहाँ पर होगी। वहीं विदर्भ और एमपी के विदर्भ और इसके मराठवाड़ा में भी जो है 12 तारीख से आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में आज और कल, तमिलनाडु में आज और कल, तेलंगाना में जो है आज और केरल में कल जो है हल्की बारिश होने जा रही है। उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में जो है 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग का यह भी कहना है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जो है कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो है कल जो है न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस मौसम औसत मौसम से 1 डिग्री कम है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने जानकारी यहाँ पर दी है। IMD द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार सापेक्षक आर्द्रता जो है PUV 79 यहाँ पर दर्ज की गई है। मौसम कार्यालय ने आसमान साफ रहने और दिन में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा चलने की बात यहाँ पर कही है, यानी सतही हवा चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक सुबह 10 बजे दिल्ली में जो वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो वायु गुणवत्ता जो है 158 दर्ज किया गया है, यानी ये जो है फिलहाल मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है।